वाठोड़ा पुलिस स्टेशन की हद में 3 दिन में 3 हत्या के मामले सामने आए हैं। नए मामले में पहचान के ही व्यक्ति ने वर्चस्व की लड़ाई को लेकर हत्या किए जाने की बात की जा रही है। दोनों आरोपी बचपन से ही आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं, जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। वाठोड़ा परिसर में आए दिन हत्या की घटनाएं सामने आ रही है। परिसर में आपराधिक गतिविधियां बढ़ने से यह घटना होने की बात की जा रही है। इस मामले में भी मृतक पकिया उर्फ शेख फिरोज शेख सत्तार बचपन से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रहा है। उस पर 18 आपराधिक मामले दर्ज है। फिलहाल वह ऑरेंज नगर परिसर में नाश्ता सेंटर और पांटेले चलाकर अपना गुजर बसर कर रहा था। पकिया का वर्चस्व बढ़ने से उभरते हुए अपराधी सुमित साखरकर और प्रणय सरदार ने उसे रास्ते से हटाने का मन बनाया और फिर घटना के दिन उसे घर के पास में ही सुनसान जगह पर बुलाकर उसकी हत्या कर दी। ऐसी जानकारी पुलिस ने दी है। आज सकाळी 7 सुमारास पोलीस स्टेशनला एक माहिती प्राप्त झाली की वाटोडा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये स्मित बारच्या मागे एक व्यक्ती मयत अवस्थेत आहे। त्याप्रमाणे पोलिसांनी तिथे जाऊन खात्री केली असता स्मित बारच्या जवळच राहणारा एक पक्या उर्फ शेख फिरोज वय 22 हा मयत अवस्थेत मिळून आलेला आहे। त्याबाबत पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि याच्या हत्या का झाली याचा शोध घेण्यात येत आहे व आरोपींचा शोध चालू आहे। याच्यामध्ये 2 संशयित इसमांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलेले आहे। यापूर्वी वाटोडा पोलीस स्टेशनच्या अगोदर नंदनवन पोलीस स्टेशन होतं। नंदनवन पोलीस स्टेशन आणि वाटोडा निर्माण झाल्यानंतरचे या दोन्ही पोलीस स्टेशनमध्ये या मयत व्यक्तीच्या विरुद्ध काही गुन्हे दाखल आहेत अशी माहिती मिळत आहे। तसेच हा मयत व्यक्ती हा स्मित बारच्या जवळच खाद्यपदार्थ विकत होता आणि तेथेच तो राहण्यास होता। आता पोलीस तपास करत आहेत। तपासामध्ये आपल्याला ही माहिती सर्व मिळणार आहे। मयत आणि ह्या व्यक्तींचे संबंध कसे होते, केव्हा झाले, चालू मृत्यूचं कारण काय, याच्यामध्ये कोणती हत्यारं वापरली गेली, ती कुठून घेण्यात आली, याबाबत आम्ही संशयित लोकांनी गुन्ह्याची कबुली जर दिली तर त्या दृष्टीने तपास करत आहोत। जानकारी मिली है कि आरोपी सुमित साखरकर और प्रणय सरदार ने हत्या के बाद अपनी महिला मित्र को एक होटल के कमरे में बुलाकर उनके साथ निजी पल बिताए। पुलिस ने तहकीकात में आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके महिला मित्रों से भी पूछताछ की है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।